we are on the next big adventure. 5 days across the best places of Goa, from the north crowded city to the very chilling south Goa, from the little mountains to the sea. We want it all. So first, I am Tarun Kashyap and me and brothers are happily traveling to this beautiful place. So welcome and namaste to this very popular place, the Goa. काशी फैमिली नमस्ते। तो अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, हमने लगेज वगैरह भी निकाल दिए हैं, बाकी भाई वगैरह आ रहे हैं अभी, तो बाकी मिलते हैं आपको एयरपोर्ट में डायरेक्ट। लेट्स गो। अभी टैक्सी भी बुक कराने को रही है, अभी हम टैक्सी बुक करेंगे और चलेंगे। तो ये है गेट नंबर 2, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एक्साइटमेंट भी ज़्यादा ही है अभी। ये छोड़ दो, ये बोल दो। Let's go to Goa. So finally at Goa, guys. Goa. सो फाइनली अपने रूम आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा हम कर नहीं सके, दो तरुण को करते हैं। तो ठीक है, तो सभी लोग कैसा रहा रूम यहाँ का? बढ़िया। तो ये हमारा अपार्टमेंट है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से बैल्कनी है अपनी, मेन बालकनी, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। और ये फर्स्ट है यहाँ पे, मतलब ये लॉबी टाइप है, पहले आके आप बैठ सकते हो यहाँ पे। और तरुण और क्या क्या यहाँ पे? बेडरूम देखो कितना बढ़िया है यहाँ पे, और इस पे भी आपकी पर्सनल बालकनी है साथ में ही, और यहाँ पे टीवी, ये देखो रूम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और ये वाला इसका सेपरेट वॉशरूम है, मतलब फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ। और यहाँ पे छोटा सा किचन वगैरह है, ठीक है। और ये भी एक और रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टीवी, कैबिन, एसी, फुली एसी सारे रूम है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सेफ वगैरह भी मिलता है, लगेज वगैरह के लिए, स्टोरेज के लिए भी जगह है, और वॉशरूम भी अच्छे है यहाँ पे। शावर एरिया यहाँ पे है, ये रहा शावर एरिया यहाँ पे, बढ़िया। और ये सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। और ये है जो अंजुना में है, और अच्छी बात, बीच यहाँ पे नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो नजदीक है यहाँ से, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तरुण कैसा लग रहा है? रिलैक्स। चलो करते हैं, अब करते हैं थोड़ा आराम, और उसके बाद चलते हैं अपने बीच साइड, देखेंगे इधर उधर, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे।
एसी वगैरह कर लें और आपको सारा बताएंगे। तो अभी फ्रेश अप हो रहे हैं और रूम बहुत अच्छा है, काफ़ी खुला भी है और सबकी अपनी सेपरेट है। जैसे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, ये देखो ये भाई है यहाँ पे और साथ में है, और ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह है, और ये देखो क्या देख रहे हैं, भक्ति भाव से भरे हुए हमारे लोग, ये देखो रिलैक्स बिल्कुल डेड हो गया है। और तरुण अभी शार कर रहा है और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा जर्मन बेकरी होता है, और स्कूटी भी रेंट करनी है हमने, वो भी वहीं से करेंगे हम। तो चलो चलते हैं, आपको मिलते हैं अब सब रेडी होके। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी जगह मिली गोवा में। हम इस टाइम अंजुना में, अंजुना के बीच के साथ में, हार्डली यहाँ से 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा बीच के जाने के लिए। और सेटअप के साथ बंदा बैठ गया अपने काम के लिए यहाँ पे, और देखो और बाकी अब अपने तैयार हो रहे हैं अभी और निकलते हैं अभी अपने जर्मन बेकरी की तरफ, और करते हैं अब जाके डिनर ही हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 7 बज रहे हैं। तो फाइनली सब लोग तैयार हो गए ऑलमोस्ट। तो तरुण का गेटअप देख लो कैसा है, ये देखो तरुण का गेटअप बहुत बढ़िया, और ये भाई ने पहना हुआ है ये देख लो, और ये भूपेश का, ये देखो ये गेटअप भूपेश का, और ये नितेश रेडी हो रहा है, ये कंफर्टेबल होके जाएंगे अभी भी गर्मी है, और गर्मी के हिसाब से जर्मन बेकरी जा रहे हैं अभी, और थोड़ा देखते हैं खाने को क्या क्या प्रोग्राम है और खाएंगे पिएंगे। और बाकी रूम का तो आपको टूर करवा ही दिया, रूम तो A1 रूम है। तो अभी महेश भाई के साथ हम टैक्सी में आए, महेश भाई नंबर 1 आदमी है, अभी हम आगे भी जाएंगे। आप मगर यहाँ पे भी बोल दो अपना, किसी ने कैब करना हो कुछ भी करना हो 9834032509 कॉल मी, महेश भाई को फोन करो। थैंक यू वेरी मच। फाइनली हम जर्मन बेकरी पहुँच गए यहाँ पे, और जाएंगे अभी यहाँ का फूड भी ट्राई करेंगे कि कैसा है, और सब भाई लोग अपने यही हैं, चलते अभी जर्मन बेकरी। तो ये रहा जर्मन बेकरी। Well, it might be cold in the streets, but it sure ain't no to me. So for now, I'd like to think this is all I'll ever need. The flower grew and did its thing without end. कैसा लगा आप लोगों को यहाँ के ये सारे सेटअप वगैरह? आज डिनर भी यहाँ पे तो बैठते हैं, करते डिनर डूनर आज यहाँ पे। ये रही जर्मन बेकरी यहाँ पे। तो अभी भाई का पनीर आ गया वगैरह हो गया है, सब फैल गया है ऐसे बैठे हुए बातें करते करते, और पता ही नहीं लगा यार टाइम का कितना हो गया, अभी कितने बज रहे हैं? 10:30 हो गए। मैं तो ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो भी गया था। ये तो है क्योंकि थका भी हुआ है बहुत ना, क्योंकि ऑफिस के बाद सीधे आया, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। चलो चलते हैं। चलो और भाई तो रेडी हो गए, कब के निकलते हैं, चलो चले। We'll be right back.
अभी ऑलमोस्ट गोवा वाइब में सारे। अरे तू नहीं कराएगी वहां से चेहरा।